दुबई दुनिया का सबसे क्रेजी शहर। मेरे पिछले चार दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। हमने लिटरली सब कुछ किया दुबई में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द दुबई सीरीज। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अच्छा तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, हम आ गए हैं दुबई और इट्स माय फर्स्ट डे हियर इन दुबई। और मैं अगर सच बताऊं, आई एम वेरी एक्साइटेड कि अभी हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है दुबई मॉल, व्हिच इज द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। ये सुन के तो मेरा भी दिमाग फट गया। अच्छा तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द होटल लॉबी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफी मजे का है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम यहाँ पे चार दिनों के लिए हैं, और चार दिनों का मतलब है कि चार बहुत मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। इट्स अ वेरी नाइस होटल और वहाँ करेंगे मुझे यहाँ से निकालना दें क्योंकि मैं काफी शोर मचा रहा हूँ। लेट्स गो टू दुबई मॉल। तो अभी भी हम टैक्सी में बैठे थे जाने के लिए, और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है लेकिन दुबई के लिए आम चीज। होटल से निकले हुए दो मिनट भी नहीं हुए थे और एक लैम्बर्गिनी, एक फरारी, सारे स्पोर्ट्स कार्स इसी शहर में मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता किसी और शहर में इस तरह मिलते होंगे जिस तरह यहाँ पे नजर आते हैं। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन दैट्स अ शार्क और काफी बड़े साइज का शार्क है। मुझे अभी पता चला है कि आप अंदर जा सकते हो एंड यू कैन स्विम विद द शार्क। ये सुन के मेरा दिल इस तरह हो रहा है, लेकिन आई रियली रियली वांट टू गो इनसाइड। अभी जाके पता करता है कि मैं अंदर जा सकता हूं। तो हमें अभी भी पता चला है कि आई एम गोइंग टू बी इनसाइड दैट केज। अभी मेरे दिमाग में इतना सा भी आइडिया नहीं था कि मैं आज ही अभी मॉल आएंगे और अभी आई एम गोना बी स्विमिंग विद शार्क। दिस इज क्रेजी। मुझे इस वक्त इतना डर लग रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है। एंड आई एम रेडी फॉर दिस। नाउ आई एम विद पीटर और वी आर गोइंग इनसाइड द केज राइट नाउ। पीटर, इज दिस रिस्की एट ऑल? No, it's not risky, but it's extremely, yeah, very safe. Has a shark ever? No, not bad, yeah. It's no? A vegetarian. It's a vegetarian. हम ऊपर जाते जा रहे हैं to the top of the aquarium. वहाँ से हमने अंदर छलांग मारना है. My heart is racing. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द टैंक जिसके अंदर मैं अभी जाऊंगा। और ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, जो बड़े बड़े शार्क्स थे जो इतने इतने लंबे थे वो सारे अंदर हैं। देयर इज नो एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। और अब मैंने अपनी ज़िंदगी इनके हाथों में दे दी है। अब जो मर्ज़ी हो जाए मेरे साथ, मेरी अपनी गलती और इनकी गलती नहीं है। मैंने अभी एक स्पेशल पैकेज लिया है जिसमें कैमरा भी जाएगा मेरे साथ, और एक स्पेशल बंदा मेरे साथ जाएगा नीचे पानी में, और वो रिकॉर्ड कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। तो सारे पेपर वगैरह साइन कर लिए हैं। अभी मेरे और मौत के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये एक टैंक होगा। द शार्क्स आर फुल, राइट? दे ईट एंड देयर फूड। There's no chance. Good today. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमसा ये क्या है? ये मेरे दोस्त हैं and they're penguins. ये वो मुर्गियाँ हैं जो उड़ नहीं सकते। ये केज आपको नजर आ रहा है, इस केज के अंदर मैं जाऊँगा और मैं पानी के नीचे जाऊँगा, और मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे शार्क्स होंगे, और फिर ये लोग मुझे केज से निकालेंगे और मैं खुला होऊंगा विद शार्क्स। कुछ भी नहीं होगा मेरे आगे पीछे, और बस एक बंदा मेरे साथ होगा। आई एम सो स्केयर्ड राइट नाउ, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। ये लोग मुझे तसल्लियाँ दे रहे हैं लेकिन इट्स नॉट इनफ। फ्रीकिंग आउट, स्केयर्ड। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ DIFT भी मैं सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए कर रहा हूँ। अगर व्लॉग ना बनाऊँ तो मैं कभी भी ना करता। अच्छा तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शूज पहन लिए, जूते पहन लिए हैं। महमूद इज़ गोना बी डाइविंग विद मी। आपस की बात है, मेरी ज़िंदगी इस बंदे के हाथों में, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये मेरा साथ देगा। अच्छा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मुझ पर वज़न चढ़ा दिया उन्होंने ताकि मैं नीचे जाऊँ, साथ साथ मुझे गॉगल्स दे दिए और ये टोपी बना दी है। ये भाई कह तो रहे हैं कि ये बहुत सेफ है, कुछ नहीं होता, मगर मुझे थोड़ा सा शक है और थोड़ा सा डर लग रहा है। From the shark mouth. भाई जान कह रहे हैं कि उन्होंने मुक्का मार के उसका दांत निकाल दिया था। तो अगर वो मेरी तरफ आएगा तो मैं भी मुक्का मार के दांत निकाल दूँ। शुरू करते साथ सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर वक्त आया शार्क्स के पास जाने का। इस पॉइंट पे आके मेरे मजाक के अलावा कांपे टांग रही थी, मतलब टांगे कांप रही थी।
यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ, और असल में मैं आगे की तरफ नहीं आ रहा था, मेरे हाथ फिसले जा रहे थे और बेसिकली जो मटेरियल था वो प्लास्टिक का था, मुझसे पकड़े नहीं जा रहा था और मैं लिटरली हवा में उड़ रहा था और मैं उस बॉय को इशारा भी कर रहा हूँ कि मुझे बचा लो, मेरे ऊपर शार्क है और मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। लेकिन आखिरकार मैंने पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। आपस की बात है, यहाँ पे मुझे इतना जोर का सुसू आ रहा था, लेकिन मैंने किसी मूवी में देखा था कि शार्क्स जो हैं वो सारे जाते हैं जहाँ पे सुसू होता है, तो इसलिए मैंने सुसू नहीं किया और संभाल के रख लिया। That was insane. मैं वहाँ पानी में था, मेरे ऊपर से शार्क्स गुजर रहे हैं, मेरे राइट से शार्क गुजर रहे हैं, मेरे पाँव के नीचे से शार्क गुजर रहे हैं, मेरे सामने मछली थी, मैंने उसको चपेट मार के आगे निकल गई। इसको कहते हैं लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैं समझा भी नहीं सकता कि हाउ आई फेल्ट जब पानी के अंदर था मछलियों के साथ। लेकिन दैट वाज इनसेन। तो खैर आखिरकार वी आर ऑल डन। मेरे लेफ्ट राइट से इतने बड़े बड़े शार्क्स गुजरे थे। मैं हमेशा बोलता हूँ डू इट फॉर द व्लॉग, तो अगर मैंने व्लॉग ही नहीं किया तो फिर कौन करेगा? क्यों? एग्जैक्टली। मैं अभी इस टैंक के अंदर था मछलियों के साथ, मतलब मजा आ गया। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो गेट सम फूड, क्योंकि मुझे इसको बहुत भूख लग रही है, तो लेट्स गो। अच्छा, तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वी आर इन दुबई। आई मीन शो देम द व्यू। Like, are you kidding me? This is the view जिसके साथ हम खाना खाएंगे। मैं कहता हूँ ऐसा व्यू तो फिर खाना भी मज़े का होना चाहिए। इसीलिए हम आए टू प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट बर्गर प्लेसेस इन दुबई। ये मैंने सुना है कि इनके बर्गर बहुत मशहूर हैं, बहुत मज़े के होते हैं। दिस इज़ ब्लैक कैप बर्गर। इन्होंने पेप्सी की बोतल दी है, बड़ी क्यूट सी। लेट मी टेस्ट टेस्ट द बर्गर फॉर यू। मज़े के, थोड़ा सा स्पाइसी हो सकता था, लेकिन दैट्स अ रियली गुड बर्गर। और हमने साथ डिज़र्ट में एक मिल्क शेक मंगवाया, क्योंकि इनके मिल्क शेक बहुत मशहूर हैं। तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा जब वो आ जाएंगे। वाइब्स तो मज़े के हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, तो इनके बर्गर्स मशहूर हैं ही हैं, लेकिन द मेन थिंग अबाउट देम इज़ देयर मिल्क शेक। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, आई थिंक ये केक बैटर कोई मिल्क शेक था इनका, सपोजिटली इट्स अमेजिंग। तो लेट मी गिव यू गाइस अ टेस्ट टेस्ट। दैट्स अमेजिंग। मुझे मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर मैं आपको सच बताऊँ, बर्गर मुझे ठीक लगा था, मुझे लगा जैसे कुछ बेहतर हो सकता था, बट दिस मिल्क शेक इज एक्चुअली अमेजिंग। ये शायद मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मिल्क शेक हो शायद। We have a good bite right here. इसमें sprinkles भी हैं, whipped cream है और cake है। So good. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। Take off your blindfold, turn around. We are going on a hell. रूप तेरा